अगर इलेक्शन कमीशन और उन इदारों ने मिलजुल कर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेटों को जान बूझ के हराया गया है और फॉर्म 47 की जालसाजी हुकूमत, इसको हम नहीं मानते। आवाम के जो मैंडेट है उनका एहतराम नहीं किया गया। दूसरी चीज़, हमारे जो यहाँ पर मुल्तान में लतीफ़ खोसा है, असलम है, राजा है, और हमारे अपना राजा असलम है, उसके अलावा कई और रहनुमा है जिनको आज गिरफ्तार किया गया, उसकी हम शदीद मुज़म्मत करते हैं। दूसरे इदारों मंजूर ना मंजूर जाली इलेक्शन जोर बजारी ना मंजूर जाली गवर्नमेंट ना मंजूर। कौन बचाएगा एक शायद पानी है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान काल दिनी जो ही जो मैनेजर चोरी थो इन के खिलाफ तक पूरे मुल्क में सराफा एहतजाज थो जो 45 फार्म के तुम ऐसो था जैसे पैया एक हो उनके नौ कर छो जो डबल जीरो उनके 800 कर छो डबल जीरो के वही 800 कर छो केडी नाजायजी असा थी जी असा मखसूस निशस्ती हुई असा उ भी को दिनी जैसे 64 सीटों हूँ हाँ वजीर आला पंजाब असा पुरजोर मुकमल माना पुलिस अगवा किया जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने डाका डाला है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज खान साहब के कहने पे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे थे और पंजाब में जिस तरीके से हमारे लीडरांस के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया हम इसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जैसा कि हम यहाँ से खान साहब की कॉल पर इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि जो ये जाली हुकूमत बनी है हमें इसे कबूल नहीं करेंगे। अब आप खुद देखें कि 45 फार्म पे क्या रिज़ल्ट है, 47 पे इन्होंने क्या रिज़ल्ट दे दिया है। अब 47 एक मैंने रिज़ल्ट देखा 45 फार्म दिए उसके अंदर 163 को उन्होंने जो बनाया हुआ टोटल वोट पड़े हैं वो 163 पड़े हैं लेकिन उसके नीचे टोटल वोट काउंट 300 जब हमने काउंटिंग की कि फलां को कितने वोट पड़े फलां को कितने पड़े वो वोट बन रहे 1183 वोट। ये तो हालत जाहिल होगी कि उन्हें टम्परिंग करने भी सही तरीके से नहीं आती और ये हुकूमत क्या चलाएंगे। हम इसलिए इस हुकूमत को नहीं मानते और ना हमें ये मंजूर है, जाली हुकूमत कभी भी हम मंजूर नहीं करेंगे।